Hello, my dear neat aspirants. This is your biology ma'am, Dr. Garima Singh, and I welcome all of you to Pradis Education Neat. First of all, bachcho, wish you a very, very happy Deepavali. I hope you enjoyed your Deepavali and you had a wonderful eve. Abhi pura saal aapka bahut acha jaye, aapke sare sapne saakar hon, aap jo jo chahte hain, aapki sari manokamnaen puri hon, yahi ichha hai aur yahi kamna hai meri aapke liye bhagwan se bhi. To chalo, mujhe Umesh ne aur बोला था कि मैम मुझे डाउट है, तो है ना, ऐसे आप लोग मुझे अपने अपने डाउट्स बताते रहोगे तो हम लोग बीच बीच में जब जब टाइम रहेगा तुरंत ही आपकी डाउट क्लासेस अरेंज कर लेंगे. तो आपने मुझे सैटरडे बोला था डाउट क्लास रखनी है, तो बस आज मैं आपके लिए आपकी डाउट क्लास लेकर आ गई हूँ. आज की डाउट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू सेल साइकिल एंड सेल डिविजन. टॉपिक का नाम है हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल कॉन्टेंट. और हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से सेल्स मियोसिस करते हैं, कौन से सेल मियोसिस नहीं करते. प्लस बच्चों ने मुझे एक डाउट और बताया है, वो है सेल प्लेट फॉर्मेशन के बारे में. तो हम डिस्कस करेंगे साइटोकाइनेसिस में प्लांट सेल में सेल फरो फॉर्मेशन क्यों नहीं होता और सेल प्लेट फॉर्मेशन कैसे होता है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बहुत छोटू से टॉपिक्स हैं हमारे, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं बच्चों. पहला टॉपिक देखेंगे हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल. देखो, अब जब भी हैप्लॉइड सेल की बात आती है ना, व्हाट इज अ हैप्लॉइड सेल? हैप्लॉइड मतलब हैविंग जस्ट हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन कंपेरिजन टू अ डिप्लॉइड सेल. अब इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, सब डिप्लॉइड होते हैं. सबके पास टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं. तो जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के पास टू सेट्स ऑफ क्रोमोजोम्स हों तो हम कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है. तो अगर टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो वो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कहलाता है. अब इसी का बेसिस पे ये जो टर्म है ना प्लॉइडी समझाती हूँ मैं आपको. देखो, प्लॉइडी क्या होती है? प्लॉइडी का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द जीनोम. तो ये डिप्लॉइड है, मतलब यहाँ पर टू कॉपीज हैं आपके पूरे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की. तो आपकी पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपका जीनोम है, पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपका जीनोम है. आपके पास उसके कितने सेट्स हैं, उस बेसिस पे आप मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड एक्सेट्रा होते हैं. ठीक है, तो जिनके पास भी टू सेट्स हैं, टू कॉपीज हैं, उनको हम डिप्लॉइड बुलाते हैं. जिनके पास सिंगल कॉपी ऑफ द जीनोम, उनको हम क्या बुलाएंगे? उनको हम बुलाएंगे मोनोप्लॉइड. ऐसे ही बच्चों, जिनके पास थ्री कॉपीज ऑफ द जीनोम, ये थ्री सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, इनको हम क्या बुलाएंगे? इनको हम बुलाएंगे ट्रिप्लॉइड, थ्री एन कंडीशन, ट्रिप्लॉइड. तो इसको एन से डिनोट करते हैं, सेट को हमारे. तो कितने सेट्स हैं उस बेसिस पे ये चेंज होता रहेगा. सिंगल सेट है तो आप मोनोप्लॉइड हो गए, दो सेट हैं तो आप हो गए डिप्लॉइड, फिर थ्री सेट्स हैं तो आप हो गए ट्रिप्लॉइड. ठीक है, इस तरीके से आपकी सेट्स चेंज होते रहते हैं. अब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो जो गैमेट्स बनेंगे उनके अंदर डिप्लॉइड कंडीशन के एग्जैक्टली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जाने चाहिए. तो हम कहते हैं कि एक सिंगल सेट ही जाए. अब जब एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम ही जाएगा ना, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? उस कंडीशन में हम कहेंगे कि गैमेट शुड हैव अ हैप्लॉइड कंटेंट. गैमेट शुड हैव अ हैप्लॉइड कंटेंट. तो ह्यूमंस जो है ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स है. इनकी लाइफ साइकिल ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बिताते हैं विथ टू कॉपीज ऑफ द जीनोम. तो जैसे कि देखो, आपके पास हर एक क्रोमोजोम, अगर ये क्रोमोजोम नंबर वन है तो क्रोमोजोम नंबर वन भी पेयर में है, क्रोमोजोम टू है तो टू भी पेयर में है, थ्री है बच्चों तो थ्री भी पेयर में है. तो ऐसे आपके पास 1 से लेकर 23 तक के क्रोमोसोम्स होते हैं आपके जीनोम में. आपके पास सारे क्रोमोसोम्स क्योंकि पेयर में हैं, मतलब सब कुछ क्योंकि डबल 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 है, दैट्स द रीज़न वाई आप एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो. तो ये 1, 2, 3 तो आपको दिख ही रहे हैं. ऐसे आपके पास ना 4 भी डबल होंगे, आपके पास 5th भी डबल होंगे, आपके पास 6 भी, और ऐसे करके आपके पास जितने 23 क्रोमोसोम्स हैं सब डबल हैं. डबल होना मतलब आपके पास एक सिंगल सेट, 1 to 23 के दो सेट हैं. 1 to 23 मम्मी से मिला, 1 to 23 ही पापा से भी मिला, इसीलिए हम आपको डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बुलाते हैं.
because you have 23 pair of chromosomes. You have two sets of those 23, इसीलिए आपके पास 23 pair of chromosomes रहते हैं. तो हम यहाँ पे यही समझाना चाहते हैं आपको कि ह्यूमन सारे के सारे डिप्लॉयड होते हैं. नॉर्मली आपके पास टू कंप्लीट सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के आपके सोमैटिक सेल्स में. कहाँ होते हैं? आपके सोमैटिक. सोमैटिक यानी आपके वेजिटेटिव सेल्स, जो आपकी बॉडी के नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जिनका रिप्रोडक्शन से लेना देना नहीं है, उन सेल्स की बात हो रही है बच्चा, जो आपकी बाकी बॉडी का सारा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बी इट योर हार्ट, किडनी, लंग्स, स्किन, जो भी हैं. ठीक है, तो आपकी बॉडी के सारे नॉर्मल सेल्स, सारे नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स, मतलब सारे वेजिटेटिव यानी कि सोमैटिक सेल्स के पास होते हैं टू कॉपीज. एक मिलता है मैटर्नल, एक मिलता है पैटर्नल क्रोमोसोम का कॉपी. और सारे के सारे कॉपीज में कैसे होते हैं? 23 होते हैं. तो आपके पास टोटल मिला के 23 होमोलोगस पेयर्स हैं. अब इस होमोलोगस टर्म का मतलब ये है कि वन के सामने आपके पास वन है पेयर में, तो आपके पास दो वन वन है. टू के सामने बच्चा आपके पास टू है, तो ये भी एक होमोलोगस पेयर हो गया. सो होमोलोगस मीन्स सेम क्रोमोसोम्स आर इन पेयर. तो टू दो चाहिए, थ्री दो चाहिए. ठीक है, तो ये हो जाता है होमोलोगस पेयर. अब हम कहते हैं कि ह्यूमंस के पास नॉर्मली 23 होमोलोगस पेयर्स हैं. एज अ रिजल्ट आप जब इन होमोलोगस पेयर्स को देखोगे तो हर में 23 हैं. टोटल मिलाकर जो आपका फुल कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो बनेगा 46 क्रोमोसोम्स का. तो आपके पास कितने हो जाएंगे बच्चों? आपके पास हो जाएंगे टोटल मिला के 46 क्रोमोसोम्स. 23, 23, ये भी वही 23 है, ये भी वही 23 है. और जब वन और वन इन दोनों का आमने सामने होगा तो हम कहेंगे एक होमोलोगस पेयर है. तो 23, 23 के दो सेट हैं, तो इसीलिए ये होमोलोगस पेयर्स हैं. टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आपके पास 46 हो गए, तो आपका कंप्लीट सेट या आपका क्रोमोसोम नंबर जो है वो 46 कहलाएगा. सो ह्यूमन बींग्स हैव अ क्रोमोसोम नंबर ऑफ 46. ठीक है, तो हमारा क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट 46 क्रोमोसोम का बना होता है. अब जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक सिंगल कंप्लीट सेट में होते हैं ना, एक सिंगल कंप्लीट सेट में, उसको हम एक्स से डिनोट कर सकते हैं, एक्स से डिनोट कर सकते हैं. तो सिंगल सेट में आप बताओ मुझे कितने क्रोमोसोम्स होंगे हमारे पास? अगर हमारे पास 23 पेयर हैं डिप्लॉयड बनने के लिए, तो एक सिंगल सेट में कितने हुए? एक सिंगल सेट में हो जाएंगे बच्चों 23. तो एक सिंगल सेट में जो होते हैं, एक सिंगल सेट में जो होते हैं कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सिंगल सेट, उस सिंगल सेट को हम, उस कंडीशन को हम बुलाते हैं मोनोप्लॉयड. मोनोप्लॉयड. तो अगर किसी के पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स रहे, एक सिंगल सेट रहे, तो हम कहेंगे कि हाँ ये तो मोनोप्लॉयड कंडीशन में है, मोनोप्लॉयड कंडीशन में है. ठीक है, तो मोनोप्लॉयड एक अलग टर्म है. मोनोप्लॉयड टर्म स्टैंड्स फॉर द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विच यू विल फाइंड इन अ सिंगल सेट. तो हमारे पास डबल सेट है, एक मैटर्नल सेट, एक पैटर्नल सेट. सो वी हैव 23 पेयर्स. जब हमारे पास ऐसे दो सेट हो जाते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? हम कहलाते हैं डिप्लॉयड. हम कहलाते हैं डिप्लॉयड. बट अगर एक सिंगल सेट के सारे क्रोमोसोम्स आप रख दोगे तो उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे, टर्म को बुलाएंगे मोनोप्लॉयड. अब देखो ऐसे ही हम कहते हैं बच्चा कि हमारा एक हैप्लॉयड नंबर होता है, हैप्लॉयड नंबर होता है. अब ये हैप्लॉयड नंबर और ये मोनोप्लॉयड नंबर में ना थोड़ा सा अंतर है. हैप्लॉयड नंबर क्या होता है? हैप्लॉयड नंबर इज हाफ द कॉन्टेंट ऑफ योर डिप्लॉयड नंबर. तो हम ऐसा कहते हैं कि हैप्लॉयड नंबर रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विच आर फाउंड इन अ गैमेट. तो एक गैमेट में, एक स्पर्म में या एक एग में जितने टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट योर हैप्लॉयड नंबर. दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट योर हैप्लॉयड नंबर. और अगर हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करें, नॉर्मल कंडीशंस की, तो हैप्लॉयड नंबर एग्जैक्टली हाफ होगा देन दैट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स सोमैटिक सेल्स नंबर. तो मेरे सोमैटिक सेल्स में अगर 46 हैं तो इसका हाफ होगा, तो मेरे गैमेट्स में हो जाएंगे 23 क्रोमोसोम. गैमेट्स में हो जाएंगे 23 क्रोमोसोम्स और विथ वन पैटर्नल एंड वन मैटर्नल कॉपी ऑफ ईच पेयर. ठीक है, अब एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म अगर है, हमारी तरह है डिप्लॉयड, तो इन कंडीशंस में आप क्या देखोगे कि हैप्लॉयड और मोनोप्लॉयड नंबर सेम होगा और दोनों होंगे 23, क्योंकि सिंगल सेट में भी 23 थे, 1 to 23. हमारा डिप्लॉयड नंबर 46 है, 2n कंडीशन है. और अगर हम इसका हाफ करके मियोसिस में भेज रहे हैं तो उनमें भी 23 ही जा रहे हैं. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ह्यूमंस के केसेस में हैप्लॉयड और मोनोप्लॉयड नंबर सेम होता है. बट अगर मैं किसी और की बात करूँ, लेट अस सपोज मैं बात करूँ वीट की, ठीक है, वीट की, मैं वीट की बात करूँगी बच्चा, तो वीट ना हमारा हेक्साप्लॉयड होता है. हेक्साप्लॉयड होता है मतलब क्या कंडीशन है उसकी? 6n कंडीशन है. और उसका जो सिंगल सेट होता है उसमें होते हैं 7 क्रोमोसोम्स. सिंगल सेट में होते हैं 7 क्रोमोसोम्स. तो उसके सिंगल सेट में 7 क्रोमोसोम्स है, मतलब उसका मोनोप्लॉयड नंबर अगर कोई पूछेगा तो वो तो 7 है.
बट वहीं अगर हम उसके हैप्लॉइड नंबर की बात करेंगे कि उसके गैमेट में कितने होंगे, उसके हैप्लॉइड नंबर की बात करेंगे तो पता है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा, क्योंकि उसके डिप्लॉइड नंबर में है 6 × 7 = 42, तो उसका हैप्लॉइड नंबर जो बनेगा, हैप्लॉइड नंबर जो बनेगा जो उसके गैमेट्स में जाएगा वो कितना जाएगा? वो जाएगा 21, वो जाएगा 21। तो उसके गैमेट्स में आप क्या देखोगे? 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखोगे। तो यहाँ से आपको मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड में शायद अंतर समझ आ गया होगा कि जो आधा होता है डिप्लॉइड का उसे हम हैप्लॉइड कहते हैं, आधा होता है जो हमारे डिप्लॉइड नंबर का उसे हम उसका हैप्लॉइड नंबर कहते हैं। तो अगर हमारा हेक्साप्लॉइड बीट है तो उसके गैमेट में कितने क्रोमोसोम्स जाएंगे? 21 क्रोमोसोम्स जाएंगे। इस तरीके से आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। अच्छा, अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे पार्थिनोजेनेसिस में। देखो, पार्थिनोजेनेसिस मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन जब आपका गैमेट बने, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा उसके बाद भी आप देखोगे कि नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन नया ऑफस्प्रिंग बनने वाला है तो हम उस चीज़ को पार्थिनोजेनेसिस कह रहे हैं। अब पार्थिनोजेनेसिस में क्या होने वाला है, यहाँ पर हम देखेंगे बी की कहानी। अब ये जो आपकी बी होती है ना, फीमेल बी में होते हैं बेटा 32 क्रोमोसोम्स, फीमेल बी में होते हैं 32 क्रोमोसोम्स, बट मेल बी में इतने नहीं होते, मेल बी में होते हैं इसके एग्जैक्ट हाफ, मेल बी में होते हैं 16 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा ही हैप्लॉइड होते हैं, गैमेट्स आर ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज हैप्लॉइड। तो गैमेट में कभी भी नंबर डबल नहीं हो सकता, हैप्लॉइड का आधा तो कुछ होता ही नहीं है तो उससे कम नहीं हो सकता, तो गैमेट्स को तो हमेशा हैप्लॉइड रहना ही है, और ये ऑलरेडी आधे लेकर बैठे हैं। तो अब जब फीमेल हनी बी को गैमेट बनाना होता है तो ये तो नॉर्मल मियोसिस कर लेती है, क्योंकि जब मियोसिस होता है तो रिडक्शन डिवीजन होता है, और रिडक्शन डिवीजन के बाद अब जब गैमेट बनेगा तो गैमेट में अपने आप ही रिड्यूस होकर 16 पहुँच जाएंगे, तो गैमेट में तो हो जाएगा कंडीशन यहाँ पे। तो ये तो मियोसिस से, नॉर्मल मियोसिस से गैमेट बना सकती है। बट जब हम मेल्स की बात करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बेटा हैप्लॉइड है, तो इनकी बॉडी में जब गैमेट्स बनते हैं ना तो वो बनते हैं माइटोसिस से। तो ये क्या करेंगे, एग्जैक्ट अपने सेल की कॉपी बनाएंगे और नॉर्मल माइटोसिस से गैमेट का प्रोडक्शन करेंगे। तो इनकी बॉडी में गैमेट्स कैसे बनते हैं? माइटोटिक सेल डिवीजन से बनता है, ठीक है। तो माइटोटिक सेल डिवीजन से इनकी बॉडी में गैमेट्स बनेंगे। अब इनमें जो मैकेनिज्म होता है वो होता है पार्थिनोजेनेसिस का। पार्थिनोजेनेसिस मतलब जो फीमेल गैमेट है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन अंडरगो करे मेल बी को बर्थ देता है। मतलब ये जो फीमेल गैमेट था ये डायरेक्टली अपने आप को कन्वर्ट करेगा इनटू द मेल बी। तो इसका डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, और ये फीमेल गैमेट विदाउट अंडरगोइंग फर्टिलाइजेशन मेल बी बना लेगा आपके लिए। मतलब मेल बी के फॉर्मेशन के लिए कभी भी आपको किसी फादर की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक सिंगल मदर अपने सिंगल गैमेट से डायरेक्टली डेवलपमेंट के बाद मेल बी को बर्थ दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। बट वहीं अगर आपको एक फीमेल बी बनानी है तो उसके अंदर तो 32 है, तो वो कैसे बनेगी? वो तब बनेगी जब आपका एक फीमेल गैमेट आपके एक मेल गैमेट के साथ मर्ज हो, और मर्ज होकर वापस से आपके लिए ये 32 क्रोमोसोम्स वाली फीमेल बनाए। तो फीमेल बीस नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेंगी, ऑन द अदर हैंड जो मेल बी थी वो बनेगी विदाउट अंडरगोइंग फर्टिलाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द फीमेल एग सेल। तो फीमेल एग सेल से विदाउट फर्टिलाइजेशन अंडरगो करे डायरेक्टली मेल बन जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना कि डिप्लॉयड फीमेल भी थी, मियोसिस से उसने एग बनाए, विदाउट फर्टिलाइजेशन ये एग डायरेक्टली मेल्स में डेवलप हो गए। जबकि जो फीमेल बनानी थी तो मेल बीज को भी पार्टिसिपेट करना पड़ा, इनको भी गैमेट्स बनाने पड़े, इनने नॉर्मल माइटोसिस से गैमेट्स बनाए और फिर इनका गैमेट और उनका गैमेट फीमेल गैमेट मर्ज हुए, फ्यूज हुए, तब जाके आपके डिप्लॉयड फीमेल बी का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन हुआ है। तो इसी चीज़ को अच्छा पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। यही चीज़ मैंने वहाँ 30 मिनट्स पे समझाई थी,
अब आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। ऐसे ही ना प्लांट्स में भी आप ये चीज़ देख सकते हो, प्लांट्स में भी आप ये चीज़ देख सकते हो। क्या देख रहे हैं हम? हम ये देख रहे हैं कि आपकी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में जो हैप्लोइड सेल्स होते हैं, हैप्लोइड सेल्स होते हैं इन एनिमल्स, वो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स होते हैं, और गैमेट्स अपने आप को डायरेक्टली फॉर्म करवाते हैं मियोसिस से, क्योंकि मैक्सिमम एनिमल्स में सब में आपको डिप्लॉइड सेल्स ही मिलते हैं। तो गैमेट्स मियोसिस से बन जाते हैं, एक बार गैमेट बनता है फ्यूज करके जाइगोट बना लेता है, कहानी खत्म। लेकिन हम प्लांट्स में क्या देखते हैं? हम प्लांट्स में ये देखते हैं कि काफ़ी सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी मेजोरिटी लाइफ साइकिल में पूरे टाइम वो हैप्लॉइड कंडीशन में ही बताते हैं, मतलब उनकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। अब मेन प्लांट बॉडी बेटा अगर हैप्लॉइड है, ऑलरेडी आपका प्लांट हैप्लॉइड ही है, तो अब इस प्लांट को अगर कुछ भी बनाना है, गैमेट बनाना है, तो वो तो ये नॉर्मल माइटोसिस से बनाएगा ना। तो यहाँ पर आप हैप्लॉइड सेल्स को माइटोसिस करता हुआ भी देखोगे कि प्लांट्स के केस में आपके नॉर्मल हैप्लॉइड सेल्स माइटोसिस करते हैं, माइटोसिस की हेल्प से गैमेट्स बनाते हैं। अब जब ये दोनों गैमेट्स, हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज होते हैं, मर्ज होते हैं, तो आपके पास एक डिप्लॉइड सेल आ जाता है जिसे आप जाइगोट बुलाते हो। अब अगेन आपकी मेन प्लांट बॉडी तो क्योंकि हैप्लॉइड थी, तो आपको क्या करना पड़ता है, इस जाइगोट में फिर मियोसिस कराना पड़ता है। अब जब ये डिप्लॉइड जाइगोट में फिर से मियोसिस होता है, अल्टीमेटली हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं स्पोर्स, और फिर से आपका हैप्लॉइड प्लांट बॉडी आ जाता है। तो इस तरीके की हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इनमें अप्रिशिएट आप कर पाते हो। याद क्या रखना है, इसमें याद ये रखना है कि इनमें जो हैप्लॉइड सेल्स हैं वो इनकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं, और वो माइटोसिस से अपना काउंट बढ़ाते हैं, जबकि हमारी बॉडी में हमें गैमेट्स माइटोसिस से डिवाइड होते हुए नहीं दिखते, माइटोसिस करते हुए नहीं दिखते। ये चीज़ हमें यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है? तो यहाँ तक अगर किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर अब मैं आपको बता देती हूँ अबाउट योर सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक? तो ये मैंने आपको इसीलिए समझाया था ताकि उस दिन के आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो जाए। अब मुझे आपको क्या बताना है, आपको सेल प्लेट में डाउट था तो मैं एक वो चीज़ और बता देती हूँ। तो देखो बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैंने आपसे क्या कहा था कि जब आपका सेल पूरी तरीके से टेलोफेज कंप्लीट कर लेता है, ऐसे ही रखती हूँ, जब आपका सेल पूरी तरीके से टेलोफेज कंप्लीट कर लेता है, तो ये आपका इंटरफेस न्यूक्लियस आपको वापस दिखने लगता है ना। अब अगर ये एक एनिमल सेल है मान लेते हैं, तो चलो ये एनिमल सेल होगा, फिर इसमें क्या होगा, इसमें जब सेल को खुद को डिवाइड करना होगा इंटू टू, तो सेल यहाँ कॉर्नर से ऐसे डिप्रेशन बनाएगा जिसे हम कहते हैं सेल फरो, और फिर ये सेल फरो ऐसे 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 पास आएगा, और अल्टीमेटली ये वाला सेल अलग और ये वाला सेल अलग हो जाएंगे, और आपके पास एक की जगह दो सेल आ जाएंगे। तो एनिमल सेल्स में क्योंकि बाहर मेम्ब्रेन के बाहर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो उसमें बाहर से ही डिप्रेशन बनता है सेल फरो नाम का, और अंदर अंदर आकर मर्ज होता है और आपके पास दो सेल्स आ जाते हैं। बट वहीं अगर ये प्लांट सेल होता, तो प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपके पास एक सेल वॉल होती, और सेल वॉल आप जानते हो बहुत टफ और बहुत रिजिड होती है, इतनी टफ और रिजिड होती है आपकी सेल वॉल कि बाहर से फरो तो डेवलप हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सेल को उसका शेप मेंटेन करने में हेल्प करती है, तो वो उसमें गड्ढा थोड़ी करने देगी आपको, तो वो चीज़ आप कर नहीं सकते। अब क्या होता है, टेलोफेज एंड होते होते आपका गॉल्गी बॉडी सब वापस आ जाता है ना, गॉल्गी बॉडी ये सब चीज़ें वापस आ जाती हैं, तो उन्हीं में से जो आपका गॉल्गी अपैरेटस है वो क्या करता है, वो कुछ वेसिकल्स का फॉर्मेशन करवाता है। तो आपके गॉल्गी बॉडीज इनकी हेल्प से वेसिकल्स का फॉर्मेशन होगा, और जब वेसिकल्स का फॉर्मेशन होगा तो आप यहाँ देखोगे एक प्लेट डेवलप होती है, धीरे धीरे वो एक यहाँ पर प्लेट बनाएंगे, तो ये लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की, ताकि सेल मेम्ब्रेन बनवा सके, फिर सेल वॉल फॉर्मेशन हो सके। तो धीरे धीरे यहाँ से बीच में सेल प्लेट बनती है, और ये सेल प्लेट बनते बनते फिर ऐसे साइडवेज ग्रो करती है, आगे 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 बढ़ती है, अल्टीमेटली आपके सेल को फिर दो हिस्सों में डिवाइड करा देती है, तो यहाँ सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, सेंटर से स्टार्ट होता है फ्रैगमोप्लास्ट की हेल्प से, या फिर ये कह सकते हैं हम गॉल्गी बॉडीज की हेल्प से वेसिकल के फॉर्मेशन से लाइपोप्रोटीन की लेयर बनेगी, सेपरेट आउट करेगी, वहाँ पर मिडिल लैमेला बनेगा,
फिर अल्टीमेटली आपकी सेल वॉल का ले डाउन होगा और इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाएगा। तो पूरी कहानी होगी यहाँ, पूरी कहानी इस तरीके से इसको बनाएंगे, यहाँ सेल वॉल फॉर्मेशन भी करेंगे दोनों के लिए, दोनों की सेल वॉल इस तरीके से अलग हो जाएगी, अंदर ही अंदर उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फाइनली यहाँ पर आपके दोनों अलग अलग सेल्स। तो यहाँ सेल प्लेट फॉर्मेशन आप अप्रिशिएट कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक की बातें अगर क्लियर हैं तो फिर हम इस टॉपिक से अब लीव ले पाएंगे। अभी और भी कुछ दिक्कत है इस टॉपिक में तो मुझे बताओ। ठीक है, जो जो चीज़ें जैसे आपने मुझे बताई थी, आपने मुझे कहा कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड की कहानी नहीं समझी, तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझ गई होगी। क्यों हम ऐसा कहते हैं कि हाँ प्लांट सेल्स में जो उनके पास कई बार हैप्लॉइड सेल्स भी माइटोसिस करते दिखते हैं, तो हमने वो भी देख लिया कि हाँ दिख सकते हैं। अभी भी अगर यहाँ पे कुछ क्वेरी है सो प्लीज़ टेल मी, इसी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो हम जब अगली डाउट क्लास रखेंगे हम तब डिस्कस कर लेंगे। मीनवाइल बाकी सब कुछ तो देख ही लिया होगा, और कुछ भी डाउट, कुछ भी डिफ़िकल्टी है बच्चा, तो जिस लेक्चर की डाउट होता है ना, मतलब जब लेक्चर देख रहे होते हो जिसमें आया होता है, उसी के उसमें लिखा करो, टाइम है कॉमेंट सेक्शन में। दूसरे लेक्चर के कॉमेंट सेक्शन में लिखते हो तो ढूंढना पड़ता है किस लेक्चर की बात कर रहे हो, तो इतना सा और ध्यान दे दिया करो तो और ईजी रहेगा। बाकी हाँ, बाकी जो हमारी रेगुलर क्लास चल रही है उसमें हमारी कल क्लास है, कल की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट MCQs। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे, नीट एंट्रेंस कॉर्नर सॉल्व करेंगे बचा हुआ, और फिर मूव ऑन करेंगे NCERT एक्सट्रैक्ट पे। तो NCERT एक्सट्रैक्ट फॉलोड बाय NCERT एग्जाम्पलर, तो ये सारी चीज़ें हमने कल देखनी है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए प्रॉपरली NCERT थरली रीड करके आना बेटा, क्योंकि अगर आपने NCERT थरली रीड करके नहीं आए तो फिर मज़ा ही नहीं आएगी ना, मज़ा ही नहीं आएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये जो टॉपिक में डाउट था, ये था सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस नाम का टॉपिक, जिसमें ये लिखा था कि अगर हम बात करते हैं अबाउट माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन, तो ये आपको रिस्ट्रिक्टेड टू डिप्लॉइड सेल्स दिखता है, जबकि लोअर प्लांट्स में और कुछ इंसेक्ट्स में आपको हैप्लॉइड सेल्स भी माइटोसिस से डिवाइड करते हुए दिख जाते हैं। यही लाइन समझाने के लिए मैंने आपको क्या बताया, ये कि ये लोअर प्लांट्स मतलब एल्गे में आपको दिखेगा, क्योंकि नॉर्मल प्लांट बॉडी इन हैप्लॉइड स्पोर्स के डेवलपमेंट से बनेगी। तो स्पोर एक सिंगल सेल था, पूरी प्लांट बॉडी नॉर्मल हैप्लॉइड सेल के माइटोसिस से बनेगी, और तब जाके पूरी प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट होगा, और माइटोसिस से ही गैमेट्स बनेंगे और इवेंचुअली कहानी कंप्लीट होगी। यहाँ एनिमल्स में ही आपने देखा कि जो आपका हैप्लॉइड सेल था एक सेल, उसी एक सिंगल सेल को डिवाइड कर करके अपने आप को पूरा मेल भी बनाना है, तो वो नॉर्मल माइटोसिस से खुद को मल्टीप्लाई कर करके पूरा मेल भी बनाएगा। तो यही दो लाइन समझाई है मैंने आपको इन दोनों डायग्राम से। रेट इफ़ यू फाइंड सम डिफिकल्टीज, डू नॉट हेजिटेट, प्लीज़ राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल बी विलिंगली रेडी टू हेल्प यू आउट। चलो, टिल द टाइम टेक केयर ऑल ऑफ यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज टुमारो, एंड वी विल कंटिन्यू विद व्हाट वी वर स्टडिंग। वी आर स्टडिंग केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, तो हम उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये डाउट क्लास थी, ऐसे बीच बीच में कभी कभी होती रहेगी जब जब तुम बोलोगे। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।